हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। राजस्थान की पॉलिटी, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्थान की पॉलिटी में ऑफिस ऑफ गवर्नर, यहाँ हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, इनके क्या कार्य हैं, क्या इनकी भूमिका है, ये हम पढ़ेंगे। स्टेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी, यहाँ हम राज्य सचिवालय, जहां पर मंत्री बैठते हैं, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ पर राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम पंचायती राज इन राजस्थान, जिसमें पंचायती राज और नगरीय स्वशासन जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो पॉलिटी है आपकी राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। वही आपकी पॉलिटी यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पर भी है। लेकिन हम बिल्कुल टॉपिक वाइज ही चलेंगे, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेंगे, जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो चलिए, सबसे पहले राज्यपाल को समझने से पहले हम राज्य सरकार के बारे में थोड़ा सा समझ लें। देखिए, हमारे जो देश है इसमें दोहरी सरकार है, ठीक है। एक तो संघीय सरकार है जो केंद्र स्तर पर काम कर रही है, और दूसरी राज्यों में जो काम कर रही है वह राज्य सरकार है, ठीक है। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और राज्य सरकार का वर्णन जो है वो संविधान के किस भाग में है, भाग 6 में है। तो राज्य से क्या अर्थ है, राज्य से क्या तात्पर्य है? तो राज्य से तात्पर्य है संघ की इकाई, यानी केंद्र की इकाई। तो विभिन्न देशों में संघ की इकाइयों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि भारत में राज्य के नाम से जान रहे हैं संघ की इकाई, उसी तरीके से अमेरिका में भी राज्य के नाम से जानते हैं, स्विट्जरलैंड में कैंटोन के नाम से, कनाडा में प्रांत के नाम से, और रूस में गणतंत्र के नाम से जानते हैं। और भारत में जो ये इकाई है संघ की, उसे हम किस नाम से जानते हैं, राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वर्तमान में हमारे देश में जो है 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो आप ये एक चीज याद रखें। उसके बाद अभी हम राज्यपाल को पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि राज्य सरकार के जो है वो 3 अंग हैं। जैसे केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का क्या काम होता है, कानूनों का निर्माण करना, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे वो राज्य स्तर पर हो, ठीक है। व्यवस्थापिका या विधायिका का काम क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। बिल बनाने की शक्ति जो है वह किसमें है, व्यवस्थापिका में है, ठीक है। और कार्यपालिका यानी कि ये कार्य करेगी, तो कानूनों का क्रियान्वयन करना या उसको लागू करना, तो ये काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये व्यवस्थापिका के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है, ये भी आप ध्यान में रखें कि जो कार्यपालिका है वह किसके प्रति उत्तरदायी है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। तीसरा जो अंग है न्यायपालिका, इसका काम होता है न्याय करना और संविधान की व्याख्या करना। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों से ही अलग है न्यायपालिका, ठीक है। तो केंद्र स्तर पर यही बात है, व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। उसी तरीके से राज्य सरकार के अंग में भी ये तीनों हैं। तो देखिए, व्यवस्थापिका में कौन कौन आते हैं, राज्यपाल आता है और विधानमंडल आता है, ठीक है। उस राज्य की विधानमंडल आती है, ठीक है। और केंद्र स्तर पर हम देखते हैं कि जो संसद है, जो संसद है वह आती है और उसके साथ राष्ट्रपति आते हैं। और संसद के 2 सदन होते हैं, हमें पता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो वही बात यहां पर है, विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानमंडल के 2 भाग हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और देखिए, सभी राज्यों में विधान परिषद है ऐसा नहीं है,
ठीक है, किन्हीं राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों है और किन्हीं राज्यों में केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। जैसे कि राजस्थान जो है, यहाँ पर एक सदनात्मक विधायिका है, यानी कि यहाँ विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। दूसरा जो कार्यपालिका है, इसमें कौन आ जाएंगे? तो सबसे मुख्य बात, राज्यपाल यहाँ होंगे, ठीक है। तो व्यवस्थापिका में भी राज्यपाल है और कार्यपालिका में भी है, क्योंकि यहाँ कानून का जब निर्माण होता है वहां राज्यपाल का अहम रोल है, और उन कानूनों को क्रियान्वित करना है तब भी राज्यपाल का अहम रोल है। इनके साइन के बिना जो है वो कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो राज्यपाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था में इनका जो पद है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान रहता है राज्यपाल का। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, उन्हीं के प्रसाद पर्यंत जो है वो राज्यपाल रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए केंद्र का प्रतिनिधि भी राज्यपाल को कहा जाता है, यही जो है वो राज्य का प्रथम नागरिक जो है कहलाता है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्र का, संघ का या केंद्र का जो प्रथम नागरिक है कौन है? राष्ट्रपति है। उसी तरीके से राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम नागरिक है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करती है, या कहें राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें, और राज्यपाल जो है यहाँ दोहरी भूमिका निभा रहा है, ठीक है। कैसे? व्यवस्थापिका जो है यहाँ पर भी राज्यपाल है, और कार्यपालिका यहाँ पर भी राज्यपाल का जो है वो रोल रहता है। न्यायपालिका जो है, इसका काम क्या है? न्याय करना है, और यहाँ पर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होता है, वहीं केंद्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हम ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में उच्च न्यायालय नहीं दिया हुआ है। वहीं पर देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद मैंने साथ में ही लिख दिए हैं। उसकी वजह क्या है कि बच्चों की ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें अनुच्छेद याद नहीं होते हैं, तो ये ऐसे याद नहीं होंगे। ये याद कैसे होंगे? जब भी राज्यपाल वर्ड आए तब उसका अनुच्छेद आप उसके आगे जो है वो याद रखें, जब भी मुख्यमंत्री शब्द आए उसके आगे याद रखें मुख्यमंत्री का जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है। इसी तरीके से विधानसभा शब्द आ रहा है, विधान परिषद आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको बिल्कुल झटके से जो है वो दिमाग में ये चीज आ जाए कि विधानसभा अनुच्छेद 170 में यहाँ पर व्याख्या की गई है, ठीक है। वहीं पर राज्यपाल की यदि बात करें तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 154 जो है कहता है कि राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में निहित है। तो ये हम बिल्कुल अभी पढ़ने वाले हैं, वहां भी मैंने यह लिखा है, ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद अनुच्छेद 164 में दिया गया है, तो यहीं पर आप ये याद कर लें। अब देखिए, राजस्थान में एक सदनात्मक विधायिका है। मैंने आपको बताया कि सभी जो राज्य हैं वहां पर विधानसभा या विधान परिषद दोनों हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान में एक सदनात्मक विधायिका है, यानी यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और यहाँ पर 200 निर्वाचित सदस्य हैं, या ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं। राजस्थान की जो विधानसभा है वो कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। विधानसभा है यहाँ पर, विधान परिषद नहीं है। राज्यों में भी केंद्र सरकार की तरह शासन के संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये चीज मैंने आपको अभी समझा दी थी, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है केंद्र में भी और राज्य में भी, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली यानी कि दोहरी कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है। यानी कि यहां पर नाम जो है वो किसका होगा? राज्यपाल का, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। कोई भी कार्य जो किया जाता है वो राज्यपाल के बगैर यहाँ नहीं होता है। वास्तविक कार्यपालिका यानी कि जो वर्क कर रही है, जो वर्किंग में है, वो है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है। और मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल को किसी भी कार्य के लिए अवगत कराते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल जो कि वर्तमान में कौन है इस वक्त? कलराज मिश्र। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? कलराज मिश्र। याद रखिएगा, राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, ठीक है। और केंद्र सरकार का ये प्रतिनिधि होता है, जिसकी नियुक्ति जो है वो कौन करती है? केंद्र सरकार ही करती है,
ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति यदि आता है कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं राज्यपाल को, तो ये कहना भी सही होगा, और केंद्र सरकार जो है वह नियुक्त करती है तो वह भी सही होगा, क्योंकि केंद्र सरकार में सबसे अहम रोल किसका है, राष्ट्रपति का। ये औपचारिक प्रधान है, यानी कि इनके बगैर जो है, इनके साइन के बगैर जो है वो कोई भी कार्य नहीं होता है। कार्यकारी प्रमुख है, विदित है, प्रमुख है, कोई भी विधि कानून जो है वो इनके बगैर पारित तो नहीं किया जाता है। ये संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 153, यहाँ पर कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, कई बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है कि राज्यपाल का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और उसका जो भी कार्यकाल होता है वो पूरा होने तक वह पद पर बना रहता है। लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन जब आया था 1956 में, तो उसमें यह कहा गया था कि एक ही व्यक्ति जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मान लीजिए दूसरे राज्य का जो राज्यपाल है उस वक्त नहीं है, पद जो है वो रिक्त है। ठीक है, तो जो पास का जो राज्य है उसका जो राज्यपाल है वह उस कार्य को संभाल सकता है उस वक्त, अचानक से पद रिक्त होने पर। ठीक है, तो ऐसे जो राज्यों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, ऐसा जो है किसमें कहा गया है, 7वें संविधान संशोधन 1956 में। उसके बाद अनुच्छेद 154, तो अनुच्छेद 154 में वर्णित है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका में राज्यपाल तो है ही, इसके साथ मुख्यमंत्री, उनकी मंत्री परिषद, और राज्य के जो एडवोकेट जनरल होते हैं वह भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो पूरी जो कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होती है, यानी कि राज्यपाल जो है वहां पर मेन है। कार्यपालिका जो है जो भी कार्य कर रही है, राज्यपाल की परमिशन के बगैर वह कार्य कोई भी नहीं करती है। राज्यपाल को जो है वह सलाह दे सकती है, जो कार्यपालिका है मुख्यमंत्री उसकी मंत्री परिषद वो राज्यपाल को सलाह दे सकती है। अनुच्छेद 154 जो है उसमें वर्णित है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा। तो देखिए, अनुच्छेद जो 155 है उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रति नहीं बल्कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसको नियुक्त किसने किया है, उसको नियुक्त जो है वो राष्ट्रपति ने किया है। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा समझते जाइए, अनुच्छेद जो है और उनके आगे जो भी लाइन लिखी गई है ये एज इट इज ऐसे ही याद करनी है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। वही अनुच्छेद 155 जो है जो कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है वो राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 156 देखिए, राज्यपाल की पदावधि और पद रिक्त की बात की गई है। ठीक है, यहां पर कार्यकाल की बात नहीं की गई है, क्योंकि 155 जो अनुच्छेद है वही क्या कह रहा है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो उसे उसके कार्य जो है समाप्त होने से पहले जो है उसे पद से रिक्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ कार्य जो कार्यकाल है वह नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सामान्यतः जो है 5 वर्ष समय रहता है पद पर बने रहने के लिए, लेकिन उससे पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद जो 157 है इसमें कहा गया है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वह 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, और कोई भी जो लाभ का पद है वह धारण न किए हुए हो, ऐसी योग्यताएं जो है वो राज्यपाल की होती हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये भी बात याद रखिए, यदि वह संसद का जो सदन है उसका यदि सदस्य है या विधानमंडल का जो सदस्य है, तो ऐसा जो कोई व्यक्ति है तो यदि उसे राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो उसे सदन में उस तिथि से अपना पद छोड़ना पड़ेगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण
किया है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। अगला देखिए, अनुच्छेद 158 जो है वह क्या कहता है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, शर्तें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दूसरा उसे ना तो संसद सदस्य होना चाहिए ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि वह सदस्य है तो जब वो पद ग्रहण करता है तो उससे पहले उसे अपने सदस्यता जो है सदन से छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो है वो शर्तें रहती हैं राज्यपाल के पद के लिए। अनुच्छेद 159 जो है वह क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा शपथ, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि राष्ट्रपति यदि हर राज्य में जाकर राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे तो बाकी काम जो है वह कैसे करेंगे। तो इस चीज, ये जो मैंने आपको लाइन बोली है इसी से आपको याद हो जाना चाहिए कि राज्यपाल को जो शपथ है वो राष्ट्रपति नहीं दिलाएंगे, नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन शपथ जो है वो नहीं दिलाएंगे, ठीक है। तो शपथ कौन दिलाएगा, तो यहां पर उनको जो शपथ है, जो वहां की राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। हर राज्य में हाई कोर्ट होगा तो वहां के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो वो इनको शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति को आने की जरूरत नहीं होती है। कई बार एग्जाम में जो है वो इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करता है, राज्यपाल उन्हीं के प्रसाद पर्यंत जो है वह रहते हैं, तो हो सकता है शपथ जो है वह वही दिलाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलवाता है राज्यपाल को, ठीक है, उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर राज्यपाल का जो कार्य है वो वह सही से नहीं कर पा रहा है तो उसको जो है वहां से हटा दिया गया, अचानक से राज्यपाल का पद जो है वो रिक्त हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राज्यपाल की जो है वो अचानक से मृत्यु हो गई तो पद जो है वो रिक्त हो गया। तो राष्ट्रपति इस संबंध में ये व्यवस्था करते हैं कि वहां पर जो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल हैं वो अतिरिक्त भार जो है यहाँ पर संभालें, ठीक है। यदि ऐसा नहीं भी होता है तो क्या होगा कि जो वह राज्य है उसके जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाता है, ठीक है। तो राज्यपाल का पद रिक्त होने पर जो अदर स्टेट है वहां के राज्यपाल जो है वो अपना भार संभालेंगे यहाँ। यदि वह भी नहीं है तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसी राज्य के तो वो संभालेंगे, ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल जो है वो उन्हें बना दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में क्या है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति। यानी कि यहाँ पर यदि कोई अपराधी है तो उसको क्षमा करने, कुछ मामलों में दंड का जो आदेश है उसे निलंबन करने, परिहार करने या लघुकरण यानी कम करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को होती है, ठीक है। वह दंड को कम कर सकता है या दंड की जो प्रकृति है उसको उसमें जो है वो चेंजमेंट ला सकता है। राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में भी बदल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह मृत्यु दंड को क्षमादान में नहीं बदल सकता, ठीक है। यहाँ पर एक ये अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में, ठीक है। तो राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल जो है वह मृत्यु दंड को क्षमादान में नहीं बदल सकता, ये एकमात्र शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 162 जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 163 में, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल होते हैं, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य जो मंत्रीगण हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यपाल को यदि सहायता चाहिए, कोई
कोई सलाह चाहिए तो वह मुख्यमंत्री की सलाह लेता है, मुख्यमंत्री और जो उसकी मंत्री परिषद है उसकी सलाह ली जाती है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, यानी यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है किस किस की मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा हो रही है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, इसके अलावा जो है मंत्रियों को शपथ जो है वह भी राज्यपाल दिलवाते हैं, कार्यकाल कितना होना चाहिए, ठीक है, वेतन भत्ते मंत्रियों के क्या होने चाहिए, ये भी अनुच्छेद 164 में है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 165 राज्य के महाअधिवक्ता। तो देखिए महाअधिवक्ता जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है, तो इसे भी कौन नियुक्त करता है, इन्हें भी जो है वो राज्यपाल नियुक्त करते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये रहते हैं। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 166, तो यहाँ पर राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से ही होंगी, ठीक है। अनुच्छेद 167 जो है उसमें लिखा है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, राज्य के कार्यों का प्रशासन संबंधी, विधान संबंधी, मंत्री परिषद के सभी जो भी निश्चय हैं विनिश्चय जो हैं वो राज्यपाल को सूचित किए जाएंगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद का ये कर्तव्य होगा। तो चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, जिसमें हमने राज्यपाल के संबंध में पढ़ा कि राज्य सरकार का जो है वो अहम हिस्सा है राज्यपाल, ठीक है, और अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा, अनुच्छेद 153 से लेकर और फिर हमने अनुच्छेद 167 तक सभी अनुच्छेदों को देखा। तो इनको आप याद कर लें, इनको बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि बार बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 153 जो है उसमें क्या है, राज्यों के राज्यपाल के संबंध में है। अनुच्छेद 154 क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है उसमें राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा है, ठीक है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है। तो बिल्कुल ये लाइन बाई लाइन आप लोग याद रखेंगे और इन्हीं अनुच्छेदों को आगे हम पढ़ेंगे, राज्यपाल के कार्यों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू।